A circular loop of radius A carrying current I is placed in two-dimensional field, magnetic field given and current given. Current flow per radius A. Magnetic field is given to be made. यहाँ पे स्मॉल करंट एलिमेंट दिया डी है किसी भी पॉइंट पे डीएल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालूंगा तो क्या आएगी इनवर्ट सब जगह पे इनवर्ट मैग्नेटिक फोर्स वुड बी on small current element I D L B and inverse. Thanks for clear. आवाज clear नहीं आ रही. सब बहुत disturbance आ रही है पीछे से. तो माइक मेरे ख्याल से वर्क नहीं कर रहा. कनेक्ट हो गए शायद आपका कनेक्शन में. माइक हायर ही नहीं कनेक्टेड. So small current element liya IDL cross B is pe force aagi net force is integration of IDL into B. So I into B into integration of DL is 2 pi yahi answer hai. तो आपको small current element पे निकालनी थी small current element पे निकाल के integrate कर देना था. तुम तो आंसर में क्या बताता हूँ मैंने कल एक चीज रिपीट की थी कौन सा वर्ड रिपीट किया था जीरो कब होगी सर परपेंडिकुलर हो जाओ जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर डायरेक्शन अलग अलग है कोई भी चीज कहीं भी फिट कर देते हो बस एक चीज सुन लेते हो क्लोज लूप है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी साथ में ये भी बोला गया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसी को नहीं याद जी कहां से आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है हर जगह पर डायरेक्शन अलग दे रखी है सुना करो ध्यान से फिजिक्स इज नॉट रट्टा आपको कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा क्या बोला है एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो होती है हमेशा नहीं होती है थर्टींथ क्वेश्चन में हमें लूप दिया इट्स प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन और उसका सेंटर है जेड एक्सिस पे से मान लो x एक्सिस है ये z एक्सिस है और y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड हमें दिया है कि यहाँ पे एक लूप प्लेस्ड है इसका सेंटर है 0 0 d पे मतलब ये डिस्टेंस जो हो गया ये डिस्टेंस d है ये है हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम अ रीजन मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे हैं हर जगह पे रेडियली आउटवर्ड्स ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा बी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इस डायरेक्शन में हमने बताना है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण रेडियली आउटवर्ड फील्ड के कारण इस पे फोर्स कितनी लग रही है ये डिस्टेंस कितना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करंट इधर फ्लो कर रही है इस लूप में तो 3D फिगर इमेजिन करो कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और लूप जो ऐसे रिंग ऐसे प्लेस्ड है तो हमने बताना है डीएल और डी में एंगल कितना बनेगा पहले हर जगह पे फोर्स सेम होगी या मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा अगर मैं डी को इधर लेता हूं और करंट वेक्टर यहां पे ले लो से यहां से करंट इनवर्ट जा रही है
इधर से आउटवर्ड्स आ रही है। पॉइंट पे डीएल क्रॉस बी की डायरेक्शन और सिमिलरली इधर और फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है दैट फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट इज आईडीएल क्रॉस बी। कैसे करें टोटल फोर्स निकालोगे तो एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आईडीएल इनटू बी इनटू साइन थीटा डीएल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करनी है आई बी साइन थीटा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई है साइन थीटा की वैल्यू ए बाय रूट ए a by a square plus a upon root a square plus d square वो आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी इमेजिन करके देखना है इसकी फिगर कैसी बन रही है बिकॉज हमें दिया था लूप इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स होता है जैसे हम ऐसे बनाते हैं ना जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था रेडियली आउटवर्ड्स हमने पॉजिटिव का फील्ड ऐसे बनाया था जिसको लिखा था इट्स रेडियली आउटवर्ड्स फील्ड तो वैसे ही ओरिजिन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स है सारी तरफ सर क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा डाउट लैंग्वेज समझ नहीं आ रही इस क्वेश्चन नेक्स्ट इज 18 तो इजी है 18 कुछ लोगों का डाउट है बट उसमें कुछ है नहीं है हमारे को दिया करंट फ्लो कर रही है ऐसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर गिवन है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ कितनी लेनी है फिर इसके अंदर दो लगेंगे ना एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट 0 भी इसलिए फोर्स 0 कर देंगे यही होगा फोर्स का फॉर्मूला आई लैम्डा इनटू बी यस सर because length is lambda magnetic field is perpendicular to i lambda v is the force bas yahi karna tha isme because ye x x sir agar aise school exam mein aaye to sir integration karni padegi sari matlab school mein aayega to integrate karke show karna padega jaise kal semi circle ka kiya tha sir iske andar agar y direction mein bhi thoda sa agar move kar de to fir y direction mein bhi jana padta na force अगर y में जाते हैं तो मतलब आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही जॉइन करना ना इसमें तो दिया ही x = 0 से लैम्डा में दिया इस क्वेश्चन में फाइंड द टेंशन व्हेन स्विचेस इज ओपन एंड करंट इज 2 एम्पीयर्स व्हेन स्विचेस इज क्लोज फाइंड द टेंशन द थ्रेड्स नो पहला केस तो आसान है जब स्विच ओपन है अभी तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड दिया है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डॉट से ये टेंशन टी या टी एंगल 30 बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है टी कॉस 30 एंड दिस इज ऑल्सो टी कॉस 30 डाउनवर्ड फोर्स इज एम जी व्हेन नो करंट फ्लोस टू टी कॉस 30 इज इक्वल्स टू एम जी और टी इज इक्वल्स टू एम जी बाय टू कॉस 30 ये आंसर आ जाएगा फिर सेकेंड है जब करंट भी फ्लो करेगी जब करंट फ्लो करेगी तो करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी एल क्रॉस बी इज डाउनवर्ड्स
मैग्नेटिक फोर्स भी डाउनवर्ड, तो व्हेन करंट फ्लोज दो फोर्सेस होगी डाउनवर्ड्स, mg plus ilb is equals to 2t cos 30. So t is equals to mg plus ilb upon 2 cos 30 answer. So ek bar ye mg ko 2t cos 30 se equate karna hai because sine component to cancel ho jayenge. Ki agar main is form mein leta hu ki components banaye tension ke to do components ban rahe hain. ये t थी, दिस इज t cos 30 और ये t sin 30. सिमिलरली ये t cos 30. सो अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स के साथ इक्वेट करना था बस. करंट फ्लो कर रही है, आई यू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्रॉस इनवर्ड्स. हमने यहां पे स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ डीएल है. इलेवेंथ में ऐसे क्वेश्चन किए थे आपने सॉलिड्स में, ये टी इसके दो कंपोनेंट्स टी कॉस थीटा और ये टी कॉस डी थीटा और इनवर्ट फोर्सेस. अगर मैं पूछूं स्मॉल लेंथ में मैग्नेटिक फोर्स कितनी एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल लेंथ डीएल उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो डीएल क्रॉस बी की डायरेक्शन. इसे मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट इज आईडीएल बी, वेयर डीएल इज आर इनटू 2 डी थीटा इनटू बी. इक्वेट कर दो दोनों फोर्सेस को. Theta is small, sine theta is so tension would be answer. देखने के बाद यही है IRB. 25th question का यही आंसर दिया. सर मैग्नेटिक फोर्स को टेंशन के कंपोनेंट्स के साथ इक्वेट करना था बिकॉज़ उसी के कारण टेंशन बिल्डअप हो रही है. इलेवेंथ में ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने सॉलिड्स में. हमने बताना है इंक्रीज इन रेडियस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ. यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल. ओरिजिनल लेंथ कितनी है रिंग की, we can say delta L is equals to
चेंज इन रेडियस इज पाई ए स्क्वायर बी ओवर सॉरी आई ए स्क्वायर बी ओवर पाई आर स्क्वायर वाई देखो आया समझ कैसे ही है आ रहा है समझ यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया मैंने स्ट्रेस बाय स्ट्रेन फोर्स वही आएगी जो हमने ऊपर वाले 25th क्वेश्चन में टेंशन निकाली है सो दैट विल बी द फोर्स रेडियस क्योंकि ए दिया है मतलब दो रेडियस है एक वायर का क्रॉस सेक्शन ले दिया है और एक ये रेडियस है एक हमें दिया है ए और एक दिया है आर मतलब इसका रेडियस आर दिया क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर दिया और ये ए दिया आर इज क्रॉस सेक्शनल रेडियस एंड ए इज रेडियस ऑफ लूप वायर को दिया एक स्क्वायर लूप ऐसे प्लेस्ड है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी नॉट वन प्लस एक्स बाय एल ये डिस्टेंस एक्स ये डिस्टेंस एक्स प्लस एल इधर बी वन कितना हो जाएगा इधर मैग्नेटिक फील्ड बी वन इधर बी टू बी वन इज B2 is इस पे मैग्नेटिक फोर्स अगर निकाल लें तो से अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूं कौन से दो एंड्स पे मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल हो जाएगी कौन से दो एंड्स के लिए मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल होगी और force on PQ and force on RS are equal and opposite in direction. The net force जो बची that is force on QR minus force on SP. मतलब B2 minus B1 into LI. B2 माइनस B1 निकालोगे तो दैट वुड बी B2 माइनस B1 इज B0 वेरी वेरी सिंगल मैंने नहीं आया कौन सा स्टेप सर ये वाला PQ और RS PQ और RS पे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो फोर्स भी सेम ही आएगी पर करंट ऑपोजिट है तो फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी बिकॉज़ हमें दिया मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस तो इस पे फोर्स आएगी इस तरफ और इस पे सेम फोर्स आएगी डाउनवर्ड तो ये दोनों कैंसिल होंगी ना ये कैंसिल नहीं हो सकती बिकॉज इस पे फोर्स आ रही है इधर इस पे फोर्स ऑपोजिट बट इनका मैग्नीट्यूड अलग है इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड सेम है कि अलग है PQ और SP और RQ पे जब मैग्नेटिक फील्ड ही अलग है तो फोर्स भी अलग आएगी अब मेरे को पता है मेजॉरिटी क्वेश्चन पांच छह लोगों को छोड़ के किसी ने किए नहीं है पांच छह लोगों ने डाउट भेजे हैं बाकी किसी ने डाउट भेजे नहीं मतलब उन्होंने क्वेश्चन किए भी नहीं जिन्होंने नहीं किया इसको करके देख लेना बिकॉज मैंने आज बाकी एक
आर्टिकल और कराना है, उसके बाद बाकी पूरे 61 तक सारे क्वेश्चन दे देने हैं। बहुत आराम आराम से फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे चलने नहीं वाला काम। ऑफलाइन क्लास होगी ना, सबको बाहर भेज देता आज मैं, कि कोई क्लास के अंदर नहीं घुसेगा। अगर ऐसे ही पढ़ना है आपने तो जो 6 लोग करके लाते थे उन्हीं को अंदर घुसाना था। पता नहीं किस मस्ती में बैठे हो आप। It's the stock acting on a current loop. हमारे पास ऐसे करंट लूप है, इसे रेक्टेंगुलर शेप मान लो। इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। लेंथ इसकी एल है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। EQRS हमने बताना है इस पर टॉर्क कितनी लगेगी, मतलब दिस इज प्लेस्ड इंक्लाइंड, ऐसे नहीं बढ़ा, ये ऐसे प्लेस्ड, ऐसे सीधा नहीं बढ़ा बिल्कुल, ये इंक्लाइंड पड़ा है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो लूप इज प्लेस्ड इंक्लाइंड टू द बोर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड की डायरेक्शन में, लूप थोड़ा सा मैंने इंक्लाइंड रख दिया ऐसे, लेट दिस एंगल बी थीटा। अगर मैं पहले इस पे फोर्स निकालू पी क्यू पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट पी टू क्यू फ्लो कर रही है, पी क्यू पे फोर्स कितनी लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी? अगर मैं आपसे फोर्स पूछू पी क्यू पे, बिकॉज एल एंड बी आर परपेंडिकुलर, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी? एल क्रॉस बी इज इनवर्ड्स, इस पे फोर्स लगी इनवर्ड्स एफ वन। यार ये एंगल दिख नहीं रहा 90। मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये कितना एंगल है? वो क्यू आर। अब करंट फ्लो कर रही है ऐसे इंक्लाइंड और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एल क्रॉस बी, और एल और बी में एंगल है थीटा, सो आई बी बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स। एफ थ्री थर्ड साइड पे इट्स अगेन, और फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड्स। इसमें एल और बी में एंगल कितना बनेगा? बी इस डायरेक्शन में है, ये एंगल कितना बनेगा? वन एट्टी माइनस थीटा। हमें ये एंगल थीटा दिया है, मैं पूछ रहा हूँ ये एंगल कितना है? दिस वुड बी 180 माइनस थीटा। Direction is upwards. मेरे को बताना कौन सी दो फोर्सेस कपल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? F1 और F3 constitutes a couple because line of action different है। हमारे पास ऐसे आ रहा है, मतलब इस फॉर्म में अगर मैं देखूं तो ये फोर्स डाउनवर्ड्स ही अपवर्ड, इनका तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दिस विल कैंसल आउट।
इस वाली साइड पे फोर्स इनवर्ड लग रही है, इस पे आउटवर्ड, तो ये लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस क्यूएस इनके लाइन ऑफ एक्शन में। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? टॉर्क का फॉर्मूला, इट्स अगर कपल हो तो आइदर फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Either forces कितनी है, ये दोनों forces कितनी है? IBB sin theta, sorry IBB sin 90, F1 और F3 था couple, perpendicular distance is QS. QS is, अगर ये distance B है, तो QS कितना हो जाएगा? B cos theta या B sin theta? B cos theta. B cos theta. तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ILB मैंने रेक्टेंगुलर लूप लिया था जिसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया। इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखूं इसको? I into A dot B. समझ में आया है सबको? किस किस को ही समझ में आ गया? एक मिनट रुको, जो मैंने पूछा ये समझ में आया? हाँ जी सर। किस किस को ये समझ में आया और किसको नहीं आया? समझ नहीं समझ आया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? So, लेकिन A vector dot B vector तो scalar होगा, tau vector। हाँ, because जिसको भी समझ में आया मतलब उसको physics नहीं आती अभी तक। ये side तो scalar होगी और ये side vector होगी, ऐसे कैसे? ठीक से बताओ मेरे को क्या आएगा? अभी अनमोल को समझ नहीं आया था, ये बताएगा vector form क्या लिखूं मैं इसकी, क्योंकि इसने कल numerical नहीं किए, नहीं किए ना अनमोल? आप लोगों के साथ, बिकॉज मेरे को आपके रिजल्ट की चिंता आपको नहीं है, मेरे को पता है ऐसे फिजिक्स खराब होगी, जो चल रहा है उसको छोड़ के पीछे का पढ़ोगे तो कुछ नहीं बनेगा। अगर किसी ने स्कूल का पढ़ना है मेरे को क्लियरली बता दे, उसके लिए मेरे लिए अलग गाइडलाइंस होती है। अगर किसी ने सिर्फ स्कूल का पढ़ना है, बाद में बाहर जाने का प्लान है, दैट कैन बी अ प्लान कि आप वो करना चाहते हो, पर जिसको कंपटीशन पढ़ना है ना उसको तो सीरियसली करना पड़ेगा। बताओ मेरे को इसकी वेक्टर फॉर्म क्या लिखूं, ऐसे लिख दूं? अब दोनों साइड वेक्टर हो गई, लिख दूं ऐसे? थीटा किसमें एंगल था? ये लूप और ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस पेन में और इसमें एंगल थीटा है। ये प्लेन ऑफ लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल थीटा। आपने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज किया, किया अनमोल? यस। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये एरिया वेक्टर है ना,
और ये एंगल कितना है, और थीटा प्लस अल्फा कितना है, 90. तो मैं अगर थीटा को 90 माइनस अल्फा लिखूं तो ये क्या आ गया, AB sin 90. तो मैं IAB sin अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं ना, लेकिन AB में एंगल तो अल्फा है ना, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में तो एंगल अल्फा है. अगर मैं सिर्फ ये दो वेक्टर देता आपको और पूछता ए क्रॉस बी कितना है, तो ए क्रॉस बी कितना होगा, अगर ये दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनमें एंगल अल्फा है, तो ए क्रॉस बी विल बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन अल्फा. तो मैं ए बी साइन अल्फा को लिख सकता हूं ना ए क्रॉस बी. So टॉक इज आई ए क्रॉस बी. अगर एन टर्न्स होते तो एन आई ए क्रॉस बी, ये सिंगल टर्न के लिए किया मैंने. अगर इसी कॉइल में एन टर्न्स होंगे, बिकॉज़ ये कांसेप्ट कहाँ यूज होना है, मैं क्यों पढूं टॉक एक्टिंग ऑन अ करंट लूप, कहाँ पढ़ा आपने इसको पहले, आपने कभी डीसी मोटर सुना है, डीसी मोटर क्या होती है, क्या करती है मोटर, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, वो घूमती है, तो टॉर्क लगेगी तो घूमेगी ना, आपकी मोटर्स इसी पे बेस्ड होती हैं कि करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्ट्स ऑन इट एंड इट रोटेट्स. एंड सिंगल टर्न वाली मोटर तो कभी नहीं होती, अब नंबर ऑफ टर्न इन, सो इसे अगर एन टर्न है तो एन आई ए क्रॉस बी. So, इसको हम लेते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क. अगर n टर्न्स हो जाएंगे तो वी विल राइट इट एज टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए क्रॉस बी, एंड समटाइम्स दिस इज आल्सो रिटन एज m क्रॉस बी. ऐसा फॉर्मूला पहले कभी देखा है टॉर्क का, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल पे टॉर्क कितनी थी, p वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, यहाँ पे m वेक्टर क्रॉस v वेक्टर. तो ये एन आई ए को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप, सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप. आई ए एन टर्न्स है तो एन आई ए, सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप. एंड इसका यूज करेंगे हम आगे जाके एसी के चैप्टर में. पहले आप डेरिवेशन देखो, ये पार्ट समझ में आ रहा है, ये स्टेप सबको समझ में आया मैंने कैसे लिखा, मतलब अब थोड़ी सी डायरेक्शंस का ना, बिकॉज कैमरा पे मेरे को पता नहीं कितनी क्लैरिटी से आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज मेरे को जो फोटो नजर आ रही है उसमें बुक सीधी नजर आती है, अगर मैं इसको टेढ़ा भी कर दूं, मतलब ऐसे नहीं प्लेस्ड, ऐसे थोड़ी सी इंक्लाइन प्लेस्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड ये पेन की डायरेक्शन में है, तो पेन में और इसके प्लेन में एंगल थीटा है. तो अगर मैं ये वाली साइड लूंगा इसके लिए तो परपेंडिकुलर ही है ये, बिकॉज अगर मैं सिर्फ ये साइड लेता इसके लिए तो एल और बी परपेंडिकुलर ही है. तो इस साइड के लिए जो टॉर्क एक्ट करेगी दैट इज फोर्स एक्ट करेगी दैट इज आई एल बी साइन 90. डायरेक्शन निकालनी है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स, तो इट्स इनवर्ड्स, इस पे इनवर्ड्स, इस पे आउटवर्ड्स, सिमिलरली इस पे निकाली तो इट्स डाउनवर्ड्स अपवर्ड. इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये कैंसल आउट कर जाएंगे, इनके कारण टॉक निकाल लिया. देखो ये लास्ट स्टेप सबको समझ आया मैंने क्या किया यहाँ पे. इसके बाद मैंने थीटा को अल्फा में क्यों चेंज कर दिया, बिकॉज थीटा एंगल था प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड में, हमें प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं चाहिए, हमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में चाहिए. तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये जो थीटा प्लस अल्फा होगा दिस विल ऑलवेज बी 90. तो अल्फा थीटा कैन बी रिटन एज 90 माइनस अल्फा, तो आई ए बी कॉस थीटा को आई ए बी साइन अल्फा लिख दिया, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया. देखो आ रहा है समझ, कुछ डाउट है तो पूछो, इट्स एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बोर्ड में 3 मार्क्स में आती है डेरिवेशन. सर एक बार वो F1 की डायरेक्शन बता दो. करंट फ्लो कर रही है ऐसे अपवर्ड्स, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड की फिंगर्स इधर, तो इनवर्ड आएगी ना डायरेक्शन, परपेंडिकुलर सपोर्ट इनवर्ड्स. इसके लिए निकालोगे तो करंट अब डाउनवर्ड्स है और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एल क्रॉस बी इसके लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. क्लियर सबको? यस सर.
So you can draw this diagram, then we will write. डायग्राम बना लो पहले और ठीक से पढ़ना शुरू करो यार. आई डोंट वांट कि मैं रोज 10 मिनट लेक्चर दूं कि आप रोज पढ़ा करो, बिकॉज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करेगा. और ये ऑनलाइन मोड कोई बहुत अच्छा मोड नहीं है पढ़ाने का, किसी टीचर का दिल नहीं करता. और आप अगर ऐसे परफॉर्म करोगे तो बिल्कुल ही नहीं करेगा. सिर्फ डायग्राम बनाना, लिखना कुछ मत अभी. So you can write, consider a rectangular current loop. Consider a rectangular current loop of length L and breadth B placed in uniform magnetic field of intensity B. Placed in uniform magnetic field of intensity B such that placed in uniform magnetic field of intensity B such that plane of the loop such that plane of the loop makes an angle theta with magnetic field as shown in figure. Plane of the loop makes an angle theta with magnetic field as shown in figure. Plane of the loop makes an angle theta with magnetic field as shown in figure. When current flows through the loop, force acts on the four sides. When current flows through the loop, force acts on the four sides of rectangular loop. Force acts on four sides of rectangular loop. Force acting on side PQ. Cross means force ki direction bataiye inwards. Force acting on side QR. हाँ जी, आपने इसके अंदर कपल का टॉर्क दिया
दूसरे वाले टॉर्क नहीं लिया था, F1 और F4. आपने इसके अंदर टॉर्क F1 और F4 की वजह से लिया था, F2 और F4 की वजह से लिया था जो कि कपल्ड मैच थे, लेकिन मूछों की वजह से क्यों लिया था? F2 और F4 तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, वो तो कपल बन ही नहीं रहा. नहीं लेकिन सर वो टॉर्क भी अप्लाई करेगा यार, ये कैंसिल नहीं हो जाती? अगर एक पेन है इसको मैं दोनों साइड से खींच रहा हूँ तो इस पर टॉर्क एक्ट करेगी, घूमेगा ये? मैं अगर एक साइड को राइट साइड खींचूं दूसरे को लेफ्ट साइड, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो कभी भी टॉर्क एक्ट नहीं करती. रोटेशनल मोशन में पढ़ा था आपने ये. This will be IAB sine alpha. N टर्न्स होंगे तो N आई है.
इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो क्लियर है सबको। बुक का क्वेश्चन नंबर 60। जो ने नोट कर लिया वो 60th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 60 बुक का। Consider a non-conducting plate of radius r and mass m which has charge q uniformly distributed over it. The plate is rotated along its axis with angular speed omega. Show that magnetic moment mu and angular momentum l are related as mu is equals to q by 2m into l. Kalya note here. हमारे को दिया एक सर्कुलर प्लेट है इसका कुछ भी रेडियस है ऐसे लेट इट बी ए एंड इट्स रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। हमने बताना है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मेरे को इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है तो पहले मैं एक रिंग ले लेता हूं। इस पे अगर चार्ज डी क्यू है तो जब ये घूमेगा इसके कारण करंट कितनी होगी? अगर एक रिंग है रिंग के ऊपर चार्ज डी क्यू है इट्स मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा व्हाट विल बी द करंट करेस्पॉन्डिंग टू इट बिकॉज चार्ज पार्टिकल इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट्स करंट तो करंट कितनी होगी? अगर चार्ज डी क्यू है सर्कल में मूव कर रहा है तो करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था इसी का। इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में मूव करता है तो उसके कारण करंट कितनी थी? इलेक्ट्रॉन के कारण करंट नहीं बता आपको। इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है तो कितनी करंट होगी उसकी? करंट कोरेस्पॉन्डिंग टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एच सी का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं और शुरू में ही है। बिल्कुल करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकता। एक रोटेशन पूरी करने में टाइम लगेगा टी तो डी क्यू चार्ज एक पॉइंट से क्रॉस करता है बार बार। मतलब अगर मैंने यहां पे कोई भी पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट से डी क्यू चार्ज क्रॉस करेगा इन टाइम कैपिटल टी तो करंट हो जाएगी डी क्यू अपॉन टू पाई बाय ओमेगा। इसका रेडियस एक्स है तो इस रिंग की मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी? करंट इनटू एरिया, एरिया इज पाई एक्स स्क्वायर। So we can say current because हमें दिया charge is uniformly distributed. मेरे को ring पे charge निकालना है तो charge per unit area लूँ या volume लूँ? Area. This charge is uniformly distributed on disk.
चार्ज पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज गिवन है क्यू, टोटल एरिया इज पाई स्क्वायर. फॉर अ रिंग ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी एक्स, ये सिग्मा आ गया हमारे पास. चार्ज ऑन रिंग कितना होगा? सिग्मा इनटू टू पाई एक्स डीएक्स. सिग्मा इनटू टू पाई एक्स डीएक्स, गुड. सिग्मा की वैल्यू डाल देते क्यू बाय पाई स्क्वायर. सो पाई गेट्स कैंसल्ड, यू गेट टू क्यू एक्स डीएक्स बाय ए स्क्वायर. करंट कोरिस्पोंडिंग टू मोशन ऑफ रिंग, जैसे आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय टी, डी क्यू की वैल्यू डालें तो टू क्यू एक्स डी एक्स बाय ए स्क्वायर. दिस कम्स आउट टू बी क्यू एक्स ओमेगा डी एक्स. मैग्नेटिक मोमेंट इसकी कितनी हो जाएगी? आइए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिंग, जैसे डीएम इज इक्वल्स टू आई इनटू पाई एक्स स्क्वायर. सो ये डीएम इज इक्वल्स टू क्यू एक्स ओमेगा डीएक्स. कैंसल. टोटल की निकालनी है तो इंटीग्रेट. लिमिट्स एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स की वेरिएशन क्या लें? जीरो टू ए, बिकॉज एक्स रेडियस है तो स्मॉलेस्ट रिंग यहां बनेगा और लार्जेस्ट इधर बनेगा. सो एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू ए. क्यू ओमेगा बाय ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब डी एक्स. क्या आया ये रिजल्ट? यही मैग्नेटिक मोमेंट. एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होगा? इसको वैसे म्यू लिया उसने क्वेश्चन में. एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. हाफ एम आर स्क्वायर. हाफ एम आर स्क्वायर. तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा. रेशियो ले लू अगर मैं म्यू बाय एल की, दिस इज एरिया इज सॉरी ए, रेडियस हमने लिया ए. सो क्यू ओमेगा ए स्क्वायर बाय फोर अपॉन हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा. ए स्क्वायर ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो म्यू बाय एल कम्स आउट टू बी ये वेक्टर रिलेशन होता है वैसे. यू कैन रीड इन दिस फॉर्म आल्सो. इन केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर रिलेटेड एज क्यू बाय टू एम इनटू एल. देखो जरा समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया?
सारे स्टेप देख लो, अगर कुछ नहीं आ रहा समझ तो क्लियर है। नोट कर लो बिकॉज अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। अभी मैं 61 क्वेश्चन जो जो करेगा उसकी छुट्टी करूंगा, नहीं तो आज आप बैठे हो यहीं पे मेरे साथ क्लास लगाने के लिए। जिनको ये समझ आ गया वो 61st क्वेश्चन करो। हाँ जी, रिलेशन का नाम क्या था? रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, 60th क्वेश्चन है ये बुक का। आप अगर बुक में देखोगे तो 59th क्वेश्चन में भी यही रिलेशन प्रूव किया और 61 में भी यही प्रूव किया, तो मैंने 60th कर दिया था बीच वाला। जिनको समझ में आ गया वो 61 क्वेश्चन करो और मेरे को करके भेजो व्हाट्सएप पे। जिनको ये समझ में आ गया वो 61st क्वेश्चन करो, जिन्होंने इसको नोट करना पहले कर दो फिर 61st करना। सर HC का 61st में सिर्फ ये दिया डिस्क की जगह स्फीयर रोटेट कर रहा है, तो हमने उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बतानी है।